नाम है आपका सर? निमित शर्मा नाम है हमारा। आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए, किस मांग को लेके आए हुए हैं? हम आए हैं, हमारा कोचिंग संस्थान जो है 15 मार्च से सब लोगों का बंद है, पूरे भारत में कोचिंग संस्थान बंद है। हम लोगों का बच्चों के द्वारा जो फीस वगैरह दी जाती है उसके अलावा हमारे पास और कुछ चारा नहीं है। भवन का किराया हमें देना है, बिजली का बिल देना है और साथ में जितना भी शिक्षक हम और जो रखते हैं उन लोगों को वेतन देना है और इसके अलावा शिक्षकों के पास और कोई चारा नहीं है और कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या भी की है। जैसे कि अभी हमारे वर्मा जी रामपुर गार्डन में जिन्होंने और जो है उन्होंने आत्महत्या को कर ली और सीवीगंज में एक शिक्षक थे उन्होंने शशांक जी हैं उन्होंने भी आत्महत्या करना पीसीएस की तैयारी भी कर रहे थे और साथ में शिक्षा भी देते थे बच्चों को। अब हम लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 15 मार्च से उसका हमें समय अवधि भी नहीं पता है कि कब हमारा संस्थान चालू होगा या नहीं होगा। हम लोग क्या करें, क्या खाएं, सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। उसकी कोई गाइडलाइन तय नहीं है कि 15 अभी कह रहे हैं जून में, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, हम लोग क्या करें। तो आपकी क्या मांग है बताइए? हमारी मांग ये है या तो सरकार उसके लिए सहायता प्रदान करे वरना संस्थान खोले, कुछ तो करना पड़ेगा। कोरोना के साथ जिए हम, परिवार हमें पालना है वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। कोरोना से मरे वरना ऐसे ही मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप किस मांग को लेके आए बताइए? यही मांग है। क्या समस्या आ रही है सर? समस्या आ रही है सर, अपना भी है सर, देखा है क्या करें, क्या खाए, क्या पीए। हमारा सर लैंड लॉर्ड है, मालिक है, वही है हमारे, हम कहाँ लिखे हमारे पास ये भी बोल रहे हैं लॉन्च करके आप संचालन को बढ़ाते हैं कोई बंद नहीं, क्या खाएँ क्या करें। किस समस्या को लेके आए हैं आप? हाँ हाँ बोलिए, क्या समस्या को लेकर? किराया देना है, शिक्षकों का वेतन है, पिछले 3 महीने से हम लोग खाली है, 15 मार्च से संस्थान बंद है, शिक्षकों का वेतन है, भवन का किराया है और बिजली का बिल है जो लगातार चल रहा है। सारे शिक्षक हम लोग आ जाए और कोचिंग पढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। 15 मार्च से हम लोग खाली घूम रहे हैं। घर पर बाहर चलाने की बहुत दिक्कत आ गई है।